सहारनपुर में जहरीली शराब से मौतों के बाद शासन के निर्देश पर पुलिस प्रशासन और आबकारी टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत कोकपुरा शाला इलाके में घरों में चल रही अवैध शराब की भट्टियों को पकड़ा। पुलिस ने मौके से करीब 120 लीटर लहन बरामद कर उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। छापेमारी की बनक लगते ही टीम के पहुंचने से पहले अवैध शराब के कारोबारी मौके से भाग निकले। सदर एसडीएम सिद्धार्थ ने बताया कि शासन के आदेश पर हम लोगों ने आज संयुक्त रूप से छापेमारी कर कई घरों से तकरीबन 120 लीटर लहन बरामद किया है जिसे नष्ट करवा दिया गया है। सर एक बड़ा सर्च अभियान किस तरह का अभियान था, कहां से आदेश आपको प्राप्त हुआ था इसका? दिल्ली में ये सहारनपुर और कुशीनगर में जो विषाक्त कांड हुआ है उसी के परिप्रेक्ष्य में शासन के निर्देश पर ये जिले में अभियान चलाया जा रहा है, व्यापक अभियान। और ये 8 तारीख से हमारा चल रहा है, लगातार अभी चलेगा। और इसमें अवैध जहाँ भी बन रही है उसको समूल नष्ट कर देना है, कहीं भी कुछ छोड़ना नहीं है। और जनता से भी ये अपील है कि वो इन जो अवैध अड्डों से बिकने वाली शराब है तो कदापि न पिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि लगभग 100 लोग मर चुके हैं। अभी आज के सर्च अभियान में क्या सफलता मिली आपको? आज भारी मात्रा में यहाँ लहन बरामद हुआ है और शराब भी बरामद की गई है। कितने लोगों को हिरासत मिली है अभी इसके लिए? हिरासत में अभी तो कोई नहीं, चूँकि सब फरार चल रहे हैं, क्योंकि सर्च अभियान था। अभी तो बेसिकली सर्च था, यहाँ जो अवैध बन रहा होगा उसको समूल नष्ट कर देना है, जो कच्ची शराब या कच्चा मटीरियल है सब। ठीक है, माननीय शासन के निर्देश में आज ये हम लोग का सर्च अभियान था। जो अवैध शराब बन रही है जहाँ पे, ये कच्ची शराब को लेकर आज यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में लहन भी प्राप्त किया गया, उसको हम लोगों ने यहीं पे नष्ट कर दिया है। उसकी कुछ मशीनरीज हैं जो यूज़ होती हैं उनको भी यहाँ पे आज पाया गया है। तो हम लोग लगातार इस तरीके के सर्च अभियान चलाते रहेंगे और जनता से ऑलरेडी अपील कर चुके हैं जिला आबकारी अधिकारी महोदय कि किसी भी दशा में इस तरीके की कच्ची जो शराब है उसका लोग सेवन ना किया करें, क्योंकि इससे लोगों की बहुत मृत्यु भी हो रही है, बहुत ही हानिकारक है। इसके साथ साथ आज हम लोगों ने यहाँ पे जो इस क्षेत्र में हिस्ट्री सीटर्स, गैंगस्टर्स, गुंडा जो भी थे, तो पुलिस की टीम के साथ एक उनके घरों पे भी हम लोग गए, उनको भी सर्च अभियान में शामिल किया गया। तो एक हम लोग का ज्वाइंट एफर्ट था पुलिस प्रशासन और आबकारी टीम। कितना लीटर नष्ट किया होगा अभी तक? लगभग 120 केजी के आसपास बता रहे हैं जिला आबकारी अधिकारी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। देखने वाले इस बस्ती में बराबर ये काम चलता रहता है, फिर भी पूरी तरह रोक नहीं लग पा रही है। यहीं के लोग हैं, लोकलाइट लोग हैं और हम लोग लगातार इस बात का सर्च अभियान चलाते रहेंगे ताकि लोगों को इसके साथ में जागरूक भी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पाया कि कुछ लोग हैं जो बिजली के यहाँ पे हीटर्स लगाए हैं, बिजली वो उसका बिल नहीं जमा कर रहे हैं, अवैध कनेक्शंस हैं। तो हम लोग लगातार सारी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं कि इनके विकास के साथ साथ हम लोग यहाँ पर जो अवैध चीज़ें हो रही हैं उनको भी रोक सकते हैं।